वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं सेलिंग हाउसेज एंड वास्तु विषय पर। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और उनका एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले आपने कई कारणों की बात करी और उनमें से एक कारण आपने कहा कि हो सकता है कि घर के डॉक्यूमेंट सही जगह पे ना पड़े हों। बात बहुत छोटी सी है लेकिन ये समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि घर के डॉक्यूमेंट्स तो एक बात रही, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ से जुड़े, पर हम उन्हें औने पौने कहीं रख देते हैं या बैंक के लॉकर में रख देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स का सही जगह पर होना कितना महत्वपूर्ण है? जैसे वास्तुशास्त्र में कोई भी अगर आप बिज़नेस खरीदते हो तो उसकी जो इन्वेंट्री दुकान या शोरूम, जैसे ज्वेलरी स्टोर के बारे में बात करते हैं, या कोई भी गैस स्टेशन या ग्रोसरी स्टोर हो, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ग्रोसरी को कहाँ पे, मतलब कोई भी तरह की जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बना सकते हो, या फिर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी को कहाँ पे रखना चाहिए। तो उसके कुछ खास कॉर्नर होते हैं कि वहाँ पे रखा, डील हो गया, बात बन गई, मूवेबल। और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ही कम प्रॉफिट वाली हो या अपने आप जाने वाली हो, तो ऐसी चीज़ों को रखा जाता है। सेम कॉन्सेप्ट घर के लिए है। घर में आप इतनी मेहनत से पैसा बनाते हो, अभी आपने पैसा रखा और कल सवेरे एक बड़ा खर्चा आ गया और पैसे आपके बाहर चले गए, तो आपके इनकमिंग आउटगोइंग बैलेंस नहीं हुए। यही सब बातों को ध्यान में रखकर जब वास्तु किया जाता है तो वास्तु कंसल्टेंट आपको ये कहता है कि भाई घर के अंदर सेफ बॉक्स या सिक्योर पैसा रखने के लिए अगर कोई लोकेशन को बनानी है तो ऐसी जगह को पसंद करो जहाँ पे ब्रेकिंग चोरी ना हो, जहाँ पे पैसा रखने के साथ ही तुरंत ही बाहर नहीं चला जाए, और जहाँ पे कोई भी रखी हुई चीज़ हो, चाहे आप इंडिया में ऑन करते हो रियल एस्टेट या कहीं पर भी हो और आप बाहर घूम रहे हो, तो कोई आपके हाथ से चोरी ना कर ले और इसके ऊपर कोई और कब्जा ना जमा दे, तो आपका सिक्योर इन्वेस्टमेंट रहे, दैट्स अ पर्पस। अब यही बात प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए उल्टी हो जाती है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी जगह पे उनको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखवाए हुए हैं जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। मैं काफ़ी लोगों को बोलती हूँ कि घूमना चाहते हो, तो बोलते हैं हाँ, तो फिर मैं पासपोर्ट नहीं रखवाती। और फिर कई बार वाइफ बोलती है कि मैं घूमना चाहती हूँ, ये मुझे कहीं लेके ही नहीं जाते, तो मैं जानबूझ के उसको बोलती हूँ कि ठीक है, पासपोर्ट ऐसा रखो कि आप साथ में फैमिली लाइफ भी एंजॉय कर सको। तो वास्तु सिर्फ उपचारात्मक शास्त्र है, वो रेमेडियल शास्त्र है, फॉर्मूला नहीं बनाता। जैसे अगर आप चाय पीना चाहते हो और आपका टेस्ट ऐसा है कि आपको चाय मीठी चाहिए, तो आप उसके जो भी जहाँ पे आप गेस्ट बन के गए हो उस होस्ट को रिक्वेस्ट करोगे तो उसमें दो चम्मच शुगर ज़्यादा डालेगा। अगर आप बोलोगे कि ये ज़्यादा मीठा हो गया है, तो वो जाके उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी डालेगा। वो जो एक्टिविटी उसने की वो वास्तु के उपचारात्मक साइंस के प्रिंसिपल है, लेकिन चाय बनाने की फॉर्मूला उसने नहीं दी। उसने सिर्फ ये कहा कि आपकी चॉइस के हिसाब से हम आपको बना के देते हैं ताकि सेटिस्फेक्शन मिले। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो है वो बिल्डिंग बनाता है, लेकिन वास्तु रेमेडियल साइंस है जो ये बताता है कि भाई ये बन तो गया, अब इसमें से इतना सही और इतना गलत है, और ऐसे लोग रहते हैं तो इसमें से ये इतना फ़ायदा करेगा और इतना नुकसान करेगा, फिर उसके हिसाब से सारे बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। तो जब कभी भी आप घर के अंदर सेफ बॉक्स पोजीशन में ऐसे डॉक्यूमेंट रखे हुए हो, आपके पास बड़ी बिल्डिंग हो और आप भूल जाते हो और किसी ने आपको डॉक्यूमेंट रखवाए हुए हो, और दूसरी जगह पे आप उस प्रॉपर्टी को लगातार बेचने की कोशिश करते हो, प्रॉपर्टी जाएगी नहीं। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि जिस साइट लोकेशन को बेचना है उसकी कोशिश तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़े बहुत सजेशन घर को भी होंगे। अगर घर के अंदर प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे रखी हुई हो कि वो वहाँ से हिले नहीं और वहाँ से जाएगी नहीं, तो आप फिर वहाँ पे कितनी भी कोशिश करोगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो मैं जब कभी किसी को भी घर बिजनेस या कमर्शियल बिल्डिंग में वो स्टक हो चुके हो और पैसे नहीं निकलते हो, और मैंने यहाँ पे न्यूजर्सी में ही काफ़ी ऐसे रियल एस्टेट की वेल नोन कंपनियों के साथ काम किया हुआ है कि उनकी पूरी भरी पूरी अच्छे से अच्छी बिल्डिंग खाली पड़ी रहती थी और हमने वहाँ पे जाके ऐसी रेमेडी की है कि पूरे स्ट्रक्चर भर गए उनके। सो आई वर्क विद लॉट ऑफ, ये अब और इंटरेस्टिंग हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है और एकदम जिज्ञासा बढ़ रही है जानने के लिए कि चलिए अगर सरल तरीके से समझा जाए कि घर के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी को बेचना है तो कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा? ये इंपॉर्टेंट बात है कि घर के डॉक्यूमेंट जब आप प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो तो किसी भी वजह से गलती से साउथ वेस्ट में, साउथ में नहीं रखने चाहिए। साउथ वेस्ट जो है वो चीज़ों को पकड़ के रखता है। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में क्यों बनाया जाता है? पति पत्नी की शादी होती है इसके लिए कि रिश्ता बना रहे, लेकिन आम तौर पे जिस लड़की की शादी नहीं हुई होती है उसको साउथ वेस्ट में नहीं रखा जाता। सेम कॉन्सेप्ट, खाली सुनने में आपको लगता होगा, प्रिंसिपल सेम है, उसका उपयोग बदलते हुए बात बदल जाती है। तो वहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रखे हुए हो साउथ वेस्ट में और दूसरी दिशा में आप उसको निकालने की कोशिश करोगे तो वो प्रॉपर्टी बेचने में आपको बहुत परेशानी होगी। तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे हुए हैं और उस घर के ऑनर का वेल्थ कॉर्नर, ताकि उसको बड़ा अमाउंट घर के अंदर मिल सके,
ये दो बातें और फिर उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए रेक्टिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे टेक्सास में भी एयरपोर्ट के बराबर पास में काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, स्पोर्ट्समैन का था और उन्होंने काफ़ी बड़ी इतनी प्राइम लोकेशन का बिल्डिंग था कि कोई ना कह ही नहीं सकता कि ये कोई नहीं खरीदेगा और वो बिल्डिंग में वो स्टक हो चुके थे। कई बार प्रॉपर्टी नहीं बेचने से बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है घर के अंदर, तो वहाँ पे वो स्टक हो चुके थे। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी प्रोसीजर करवा दी, पूजा पाठ करवाई, मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना, मैं एक दिन आऊँगी और आधे घंटे में चली जाऊँगी और मेरे को जितना करना था मैंने कर दिया, घर की कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवाई, डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए। तो कंसल्टेंट के लिए बात आमतौर पे आसान होती है लेकिन घर और प्रॉपर्टी लोकेशन दोनों को मिला के रेक्टिफाई किया जाता है। जी पल्लव जी, वास्तु लिविंग में हम कई बार जब बाइंग हाउसेस की बात करते हैं तो हम ये ख़ास इशारा करते हैं कि प्रॉपर्टी एक ऐसी हो जिसका लॉट सही हो, जिसके अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं और उनमें एक प्रॉपर्टी की बात मुझे याद है कि आपने कही कि कई बार करी है कि जो जो रोड लेवल से नीचे की प्रॉपर्टी होती है, खड्डे में पड़ी हुई प्रॉपर्टी है, उसको नहीं लेना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें हैं। अब ये तो खरीदने के लिए हम चेतावनी दे रहे हैं, अब एक व्यक्ति जिसके पास इस तरह की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हो और वो ना बिक रही हो तो सेलिंग के अंदर क्या किया जाए? एक्चुअली जब खरीदने के लिए रूल्स होते हैं उससे कम्प्लीटली अपोजिट रूल्स सेलिंग के लिए होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट हेल्प करती है और बेचने के लिए आपको नॉर्थ वेस्ट हेल्प करती है, दोनों दिशाएं अलग अलग है। लेकिन प्रॉपर्टी बेचने के लिए ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को मिला के उसके अंदर एक हारमोनी क्रिएट करती है की जाती है। नॉर्थ ईस्ट से आपको पैसे आ जाएंगे और नॉर्थ वेस्ट से वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए वास्तुशास्त्र में लड़कियों की शादी के लिए नॉर्थ वेस्ट में सुलाया जाता है ताकि जल्दी से शादी होकर वो चली जाए। वास्तु लड़की, लड़का या प्रॉपर्टी नहीं बोलता है, वो सिर्फ ये कहता है कि ये दिशा ऐसी है कि यहाँ पे जो चीज़ रखोगे वो जाएगी। कंसल्टेंट अपने क्लाइंट की नीड के हिसाब से, वो दिशाएं उसका पावर है और उसी के हिसाब से उसका उपयोग करके अपने क्लाइंट को वो फायदा करवा सकता है। जी जी, तो मामला दिशाओं का है और दिशाओं समझदारी पर का समझदारी का है। दिशाओं पर, समझदारी पर और जो हमारा विषय है सेलिंग हाउसेस, उस पर बातचीत जारी रहेगी पल्लवी जी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद आते ही पहले हम उनसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर चर्चा बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।